Good morning, all of you. Good morning, sir. Very good morning. आवाज आ रही ना ठीक से? Yes, sir. दिखाई भी दे रहा है? Yes, sir. चलो चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं. आप अपनी आवाज को म्यूट कर लो. ठीक है, क्लास चालू करने से पहले थोड़ा सा बता दूं कहाँ पर थे, क्या पढ़ रहे थे, एक बार दिमाग में तो आ जाए ना. हमने क्या स्टार्ट कर दिया था? सेकंड चैप्टर का सेकंड पोर्शन, और हेडिंग थी मिश्रण के घटकों का पृथक्करण. मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, जिसमें हमने दो विधि पढ़ ली थी. पृथक्करण में कितनी विधि पढ़ ली थी? दो. एक तो शाही में से रंगों को अलग करने वाली, और दूसरी हमने पढ़ी थी अपकेंद्रीकरण. शाही में से रंगों को अलग करने वाली विधि, और दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी? अपकेंद्रीकरण. यानी कि किसी वृत्ताकार पथ पर अगर किसी अपकेंद्रित मशीन को घुमाया जाता है तो वहां से भी मिश्रण के घटकों को क्या किया जा सकता है? पृथक किया जा सकता हो. ऐसी कम से कम, मैंने ये भी कहा था कि ऐसे कम से कम आपको 8 से 9 विधियां पढ़नी पड़ेगी. अब देखो, जो 3 नंबर वाली विधि है ना, 3 नंबर वाली विधि, वो कौन सी है? 2 हमने पढ़ ली थी, तीसरी स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं. और थर्ड जो मेथड है वो है ऊर्ध्वपात. ऊर्ध्वपातन तीसरा पोर्शन है. ऊर्ध्वपातन अंग्रेजी में बोलते हैं सबलिमेशन. सबलिमेशन, और ये मैंने पढ़ा भी दिया था तुम्हें, याद करो. सबलिमेशन कौन सा पोर्शन है? सबलिमेशन या ऊर्ध्वपातन वो भी दी है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को डायरेक्टली किसमें चेंज किया जाता है? गैस में. या फिर गैस वाले पदार्थ को डायरेक्ट किसमें चेंज किया जाता है? ठोस में. पढ़ा था ना हमने ऊर्ध्वपातन, ठोस को किसमें बदल दिया? ठोस को बदला जाता है गैस में, और गैस को बदला जाता है ठोस में. यानी कि ठोस, वैसे होता यह है, एक्चुअल हम देखते हैं ना, होता यह है कि ठोस पहले द्रव में जाता है. ठोस पहले किस में चेंज होता है? द्रव में. फिर द्रव किस में जाता है? गैस में. लेकिन ऊर्ध्वपातन वाले केस में उल्टा था. यहां पर ठोस को चेंज किया जाता है किस में? गैस में. और गैस को चेंज किया जाता है किस में? ठोस में. और इसी विधि को क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन. ऊर्ध्वपातन ये वाली विधि है ऊर्ध्वपातन. और मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, इसमें एग्जाम्पल क्या लिया था. जैसे मैं देखो अभी बता रहा हूँ, तुम्हें याद आ जाएगा. कपूर बताया था ना, कपूर वाला, नेफ्थलीन की गोलियां, नौसादर अमोनियम क्लोराइड. याद करो, जब हमने एक प्लेट पर कपूर की कुछ गोलियां लेके गर्म किया था, उसके ऊपर उल्टे आकार की कीप लगा दी थी. कीप लगाई थी, तो जैसे ही कपूर क्या होगा? मेल्ट होगा, तो किसमें चेंज होगा? गैस में. तो गैस किसमें जाएगी? कीप में. कीप के मुंह के ऊपर क्या लगा दी थी? कॉटन का ढक्कन, रुई का ढक्कन. तो गैस वहां पे रुक जाएगी, उसको गर्म करना बंद कर दो, गैस वापस किसमें चेंज हो जाएगी? ठोस में. चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार वापस बता देता हूँ एक्सपेरिमेंट, जिसने क्लास नहीं ली थी उसको भी समझ में आ जाएगा. ध्यान देना बेटा, एक्सपेरिमेंट के जरिए समझना. ऊर्ध्वपातन वो भी दी है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को सीधे तौर पर ही गैस में बदला जाता है, और गैस को सीधे तौर पर ही किसमें? सीधे तौर पर. मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, सीधे तौर पर. सीधे तौर से मेरा मतलब है दोनों के बीच में द्रव अवस्था नहीं आ रही है. ठोस डायरेक्टली जा रहा है गैस में, और गैस डायरेक्टली आ रही है ठोस में. अगर आप ठोस को गैस में भेजोगे, अगर आप ठोस को किस में चेंज करोगे? गैस में. तब तो तापमान क्या करना पड़ेगा? अधिक. तापमान क्या करना पड़ेगा? अधिक. और गैस को अगर ठोस में चेंज करना चाहते हो तब तापमान क्या करना पड़ेगा? कम. ये स्पेशल ध्यान रखना, ठोस किस में चेंज हो रहा है? गैस में. ठोस किस में चेंज हो रहा है? गैस में. लेकिन ध्यान रखना, सभी ठोस पदार्थ सीधे तौर पर गैस में नहीं बदलते हैं. क्या बोल रहा हूं मैं? सभी ठोस पदार्थ सीधे तौर पर गैस में नहीं बदल रहे हैं. कुछ है कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनको हम किस में चेंज कर सकते हैं? गैस में. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, जैसे मान लो कपूर है, कपूर हो गया, नेफ्थलीन की गोलियां हो गई, नेफ्थलीन की गोलियां, कपूर हो गया, नेफ्थलीन की गोलियां हो गई, ठीक है. इसके अलावा नौसादर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या है? NH4
सी एन, ठीक है। देखो ध्यान देना, कपूर आप सबने देखा होगा अपने घर पर पूजा की थाली में या अपनी दादी माँ को कपड़ों के अंदर डालते हुए, ठीक है। कपूर देखा होगा, छोटी छोटी व्हाइट कलर की गोलियां आती है। नेप्थलीन की गोलियां कहाँ मिलती है? टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट के अंदर जाते हैं, वॉशरूम के अंदर जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी व्हाइट कलर की गोलियां पड़ी रहती है ताकि टॉयलेट की स्मेल ना आए, इसलिए वहां पर क्या डाल दिया जाता है? नेप्थलीन की गोलियां। और एक है नोसादर, अमोनियम क्लोराइड, ये लैब में मिलेगा, हो सकता है आपने इसको देखा नहीं। ये सब ठोस है, कपूर ठोस है, नेप्थलीन की गोलियां ठोस है, नोसादर ठोस है। इन ठोस पदार्थों को अगर गर्म कर दिया जाए, इन ठोस पदार्थों को अगर गर्म कर दिया जाए तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे किसके अंदर? गैस के अंदर। और इसी विधि को बोला जाता है उधर्व पातन। इसी को क्या बोलते हैं? उधर्व पातन। देखो कैसे समझाता हूं। सबसे पहले लेंगे हम एक चाइना डिश, ये क्या है? चाइना डिश, ठीक है। और इस चाइना डिश में आप कोई सा भी मटेरियल उठा सकते हो, यहाँ से कपूर ले सकते हो, नेप्थलीन की गोलियां, नोसादर, कुछ भी ले सकते हो। चलो कपूर की गोलियां ले लेते हैं, इसे एक कपूर की गोली ये रही, दूसरी कपूर की गोली ये रही, तीसरी कपूर की गोली ये रही, ठीक है। अब कपूर ठोस है, यहाँ पे लिख देता हूं, देखो ये तो क्या है? चाइना डिश। चाइना डिश से मतलब है बर्तन है, बर्तन प्लेट मान लो, प्लेट, ठीक है। और ये है कपूर की गोली, कपूर की गोली, ठीक है। एक प्लेट ली है जो चाइना डिश के तौर पर है, ठीक है। उसके अंदर हमने तीन कपूर की गोलियां डाल दी। कपूर की गोली कैसी है? ठोस। कपूर की गोली कैसे है? ठोस है, ठीक है। अब करना क्या है? ये कपूर की गोली है ठोस, ठोस डायरेक्ट किस में चेंज होगा? गैस में, अपने आप तो निसरा। हमें क्या करना पड़ेगा? तापमान क्या देना पड़ेगा? अधिक गर्म करना पड़ेगा। तो इसको नीचे से गर्म करना स्टार्ट करो ऐसे। अब ये ज्वाला आप किसी भी तौर पर दे सकते हो, गैस जलाकर, बर्नर जलाकर, कैंडल जलाकर, या फिर किसी और तरीके से इसको गर्म कर सकते हो। तो जैसे ही गर्म करोगे, सॉरी, जैसे ही ज्वाला दोगे, ये कपूर की गोलियां क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएंगी। ये क्या है? ज्वाला। पहले भी समझाया था मैंने, फिर भी एक बार बता देता हूँ, ये हर चीज का नाम आपको लिखना पड़ेगा। मैं हर चीज का नाम लिखता हूँ कि ये चाइना डिश है, ये कपूर की गोली है, ये ज्वाला है। ये अलाउड है साइंस के अंदर, ये मान्य है, अलाउड है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो एग्जाम के अंदर, मान लो सारा एक्सपेरिमेंट आपका सही है, पूरा डायग्राम आपने सही बना दिया, लेकिन आपने नोमन क्लेचर नहीं किया। नोमन क्लेचर का मतलब है आपने नामांकित नहीं किया, दैट इज द रॉन्ग मटेरियल। वो आपका मटेरियल ही पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए नाम जरूर बताना आपको हर चीज का, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे ही कपूर की गोलियों को गर्म करोगे, नीचे से तो आग आ रही ना, आग आने से कपूर की गोलियां क्या होगी? गर्म होगी। गर्म होने के बाद किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। तो गैस तो उड़ जाएगी, जबकि हम ये चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं, मैं भी ये चाह रहा हूँ, आप भी चाह रहे हो कि ये कपूर जो गैस में चेंज हुआ है, जो कपूर की जो गैस बनेगी, वो गैस भी चाहिए हमें, उसको उड़ने नहीं देना है। तो आप कौन सा ऐसा सिस्टम लगाओगे यहाँ पे? देखो सीधा सबको समझ में आ रहा है कि सर कपूर की गोली को गर्म करेंगे तो गैस बन के उड़ जाएगा, क्योंकि गर्म होगा तो गैस बनेगा, ये हमें पता है ना। ठोस किस में चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है। इसको गर्म करोगे तो गैस बन जाएगा, ये लो गैस तो उड़ जाएगी, गैस तो उड़ जाएगी, लेकिन इस गैस को उड़ाना नहीं है, इसको हमें वापस लेके आना है, ठीक है। वापस उस गैस से क्या बनाना है? कपूर बनाना है। तो क्यों ना इस चाइना डिश के ऊपर एक ऐसी चीज लगा दो जो गैस को उड़ने ना दे। तो इसको बचाने के लिए क्या करोगे? जैसे मान लो ये चाइना डिश है, चाइना डिश के ऊपर कीप रख दो, कीप फनल आते हैं ना तेल डालने वाली कीप, उस कीप को रख दो उल्टा करके ऐसे, ये लो, ये इसके ऊपर हमने क्या रख दी? कीप रख दी, कीप। और ये कीप का मुंह, ये क्या है? कीप का मुंह। देखो जैसे ही कपूर को गर्म करोगे, कपूर जो ठोस रूप में था वो किस में चेंज होने लग गया? गैस में। ये क्या है? कपूर की गैस। तो गैस तो यहां से निकल सकती है, इसलिए इस कीप के ढक्कन को बंद कर दो, किससे?
रुई से, किससे बंद कर दो, रुई से। इस कीप के ढक्कन को हमने बंद कर दिया, किससे बंद कर दिया, रुई से बंद कर दिया। अब सोचो जो कपूर किसमें चेंज हो गया, गैस में, तो जो कपूर की गैस है ना वो इस पूरी कीप के अंदर भर जाएगी। तो ठोस हमने किसमें बदल दिया, कपूर कैसा था, ठोस, कपूर कैसा था, ठोस, किसमें चेंज हो गया, गैस, ये कपूर की क्या बन गई, गैस। और ऐसे विधियों को क्या बोला जाता है, ऐसे विधियों को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन, क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। लेकिन ध्यान रखना सभी ठोस डायरेक्टली गैस में चेंज नहीं हो सकते, सभी ठोस गैस में चेंज नहीं होंगे, कुछ एक ही ऐसे ठोस है जो गैस में चेंज होते हैं, जो ये है। ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद रखना है, हमने यहाँ पर कपूर का एग्जाम्पल लिया, गर्म किया, कपूर की गैस बन गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कपूर चेंज हो चुका है ना, ये कपूर तो हट गया, क्योंकि कपूर किस में चेंज हो गया, गैस में, तो यहाँ पर कपूर है ही नहीं, कपूर किस में चेंज हो गया, गैस के अंदर। अब मैं ये कह रहा हूँ ये जो गैस बनी है ना, गैस बनी है, ठीक है, इस गैस को वापस ठोस कपूर में बदलना है, कपूर की गोलियों के अंदर बदलना है, तो बदल सकते हैं। जब हम ठोस को गैस में लेकर जा सकते हैं गर्म करके, तो हम ठंडा करके गैस को किस में ला सकते हैं, ठोस में। ठोस को जब गैस में भेजा तो क्या किया, गर्म। अब उल्टा कर लो, इस गैस को वापस अगर ठोस में लाना चाहते हो, इस गैस को अगर वापस कपूर की गोलियों में लाना चाहते हो, तो गैस को क्या कर लो, ठंडा कर लो। और ठंडा कैसे करोगे, ठंडे का मतलब है जो हम गर्म कर रहे थे ना, उस आग को क्या कर दो, हटा दो। पहले गर्म कर रहे थे ना, तो जिस चीज से गर्म कर रहे थे उस आग को हटा दो वहां से। हटाने का मतलब है अब यहाँ पर गर्माहट नहीं है, अब यहाँ पर तापमान नहीं है, और इस कीप के अंदर जितनी भी गैस है, इस कीप के अंदर जितनी भी गैस है, सारी की सारी गैस जमती जाएगी। कहाँ पर ये गैस जमेगी, अब कहाँ पर जमेगी, जहां पर फैल रही है, तो ये कीप की दीवारों पर जम जाएगी, कीप की दीवारों पर ही गैस जम गई। देखो ये लो, इधर भी कीप की दीवारों पर क्या हो गई, गैस जम गई। अब सोचो ये जो गैस कीप की दीवारों पर जाकर जमी है, पहले तो नहीं जम रही थी, लेकिन हमने गर्म करना बंद कर दिया, इसलिए तापमान कम हो गया, ये ठंडा हो गया। ठंडा होने की वजह से गैस जाकर दीवारों पर जम गई, और जमने के बाद वो गैस नहीं कहलाएगी। कीप की दीवारों पर गैस जमने का मतलब है वो किस में बदल चुकी है, ठोस में बदल चुकी है। तो ये ठोस बन गया, अभी ठोस बन गया, ये ठोस किसका है, कपूर का। अब आप चाहो तो कीप की दीवारों से इसको स्क्रब कर करके, इसको खुरुच खुरुच के, इसको उतार उतार के वापस उसकी क्या बना लो, कपूर की गोलिया। इसको यहां से उतारा, यहां से उतार उतार के, उतार उतार के वापस हम इसको क्या बना सकते हैं, कपूर की गोलियां। तो आई बात समझ में, ये थी ऊर्ध्वपातन विधि। और ऊर्ध्वपातन वह विधि होती है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गैस में बदला जाता है, और गैस पदार्थ को वापस ठोस में बदल दिया जाता है। ठोस को गैस में बदलने के लिए उसको गर्म किया जाएगा, और गैस को ठोस में बदलने के लिए उसको क्या किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा। और ऐसी विधियों को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन विधि हर ठोस पर लागू नहीं होती है, कौन से ठोस पर लागू होती है, कपूर, नेफ्थलीन की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड, नौसादा, ठीक है। तो ये थी तीसरे नंबर की विधि। अब मेरे को कोई बताएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, भावना, टीशा, सर समझ में आ रहा है, आ रहा ना पूरा, ये तो पहले भी पढ़ा था हमने। यस सर, कोई बात नहीं, एक बार और देख लिया, अब ये हमारे कंफर्म हो गया, क्या पता एग्जाम में यही दे दूं मैं। तो तुम्हारे जो लाइव क्लास चल रही है उसके एग्जाम भी तो होंगे ना, क्या पता एग्जाम में मिल जाए आपको ये। तो कितनी विधियां पढ़ ली हमने, तीन विधियां। पहली, किसी इंक में से कलर कैसे अलग करोगे, दूसरी विधि कौन सी पढ़ी हमने, अपकेंद्रीकरण, और तीसरी विधि कौन सी पढ़ी आपने, ऊर्ध्वपातन, कौन सी पढ़ी, ऊर्ध्वपातन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चार नंबर वाली विधि, नंबर चार। और नंबर चार वाली विधि काफी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, समझ में आएगी ऐसे कैसे। नंबर फोर, और नंबर चार वाली विधि का नाम क्या है, विभेदी निष्कर्षण। चार वाली विधि का नाम है विभेदी निष्कर्षण, विभेदी निष्कर्षण, ठीक है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन,
डिफरेंटियल सॉरी डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। देखो ये विधि क्या है, आपको नाम भी अलग लग रहा होगा, आप सोच रहे कि सर ये तो अटपटा सा नाम लग रहा है इसमें क्या होगा, जबकि ये बिल्कुल सबसे इजी विधि है, सबसे इजी और सबसे नॉर्मल मेथड है। कौन सी? विभेदनिष्कर्षण। अब विभेदनिष्कर्षण का मतलब क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें होता है दो अघुलनशील पदार्थों को पृथक करना। दो अघुलनशील पदार्थों को पृथक करने के लिए हम ये वाली विधि लगाते हैं। तो एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, इस विधि में दो अघुलनशील, इस विधि में दो अघुलनशील पदार्थों को, दो अघुलनशील पदार्थों को पृथक किया जाता है। दो अघुलनशील पदार्थों को पृथक किया जाता है। देखो हम पढ़ भी यही रहे, तुम्हारे दिमाग में चीज सेट होनी चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मिश्रण के घटकों को कैसे अलग किया जाए, दो मिली हुई चीजों को कैसे अलग किया जाए, अलग अलग विधि पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशन में। तो पृथक कैसे करोगे, किसको पृथक करना है, पहले तो ये सोचो। इस विधि में दो अघुलनशील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अघुलनशील, ध्यान रखना यहाँ पर जो दो पदार्थ मिल रहे हैं ना वो आपस में घुल नहीं रहे, वो मिक्स नहीं हो रहे हैं। फिर आप सोचोगे सर जब ये मिक्स ही नहीं हो रहे हैं तो फिर इनको अलग कैसे करेंगे, तो पहले से अलग है, पहले से अलग नहीं है, ये ढंग से मिक्स नहीं हो रहे हैं, इनका विषमांगी मिश्रण बन रहा है, सममांगी मिश्रण नहीं बन रहा है। तो इस विधि में दो अघुलनशील पदार्थों को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए, जैसे जल और तेल का मिश्रण, जल प्लस तेल का मिश्रण, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर सकते हो, देखना जल और तेल आपस में मिक्स होते हैं क्या। मान लो आपने एक बर्तन लिया, उसमें पहले पानी डाला और उसमें ऊपर से तेल डाला, तो पानी और तेल कभी नहीं मिलते, क्यों, क्योंकि तेल हल्का होता है, ऊपर आ जाता है और पानी के ऊपर आकर तैरता रहता है। फिर आप सोचोगे सर ये तो पहले से अलग है, इनको क्या कैसे अलग करोगे, क्यों कहां से अलग है, आप इनको कैसे अलग करोगे। जैसे मान लो एक ग्लास में आपने पानी ले लिया, एक ग्लास में आपने तेल ले लिया, तो हालांकि मिक्स तो हो गए ना दोनों, आप सोचोगे सर मैं इनको अलग करूंगा, तो जैसे आप ग्लास को उड़ेलोगे ऐसे, तो पहले तेल बाहर आएगा, तेल के पीछे पीछे पानी भी आ जाएगा। जबकि मैं ये चाह रहा हूं, मैं तुम लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि तेल अलग हो जाना चाहिए, पानी अलग हो जाना चाहिए, और वही हेडिंग है इस विधि में दो अघुलनशील। क्योंकि जल और दो पदार्थ, हमने दो पदार्थ कौन से ले रखे, एक जल और एक तेल, दो अघुलनशील पदार्थ, ये दोनों अघुलनशील है, ये कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते। तेल हल्का होता है, हल्का होने की वजह से तेल कहां पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो जल प्लस तेल, ये दोनों अघुलनशील पदार्थ है, इनको कैसे पृथक करोगे, इस वाली विधि का नाम है विभेदी निष्कर्षण, विभेदी निष्कर्षण। तो चलो देखते हैं कैसे अलग करते हैं, इसके लिए हमें वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए, जो सामग्री हमें चाहिए, वो है पृथककारी की, पृथककारी की, ये लो सबसे इंपॉर्टेंट जो सामग्री है इस विधि के लिए, हमें जो मटेरियल चाहिए वो है पृथककारी की, सेपरेटेड फनल, पृथककारी की, एक ऐसी कीप जो इन दोनों पदार्थों को अलग करेगी, जल को अलग करेगी और तेल को अलग करेगी। और पृथककारी कीप कैसे होती है, देखो ऐसे ऐसे होती है पृथककारी कीप, सॉरी थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं, नजर नहीं आ रहा, यहां बना था।
ये लो, ये बन गई पृथककारी कीप। अब ध्यान देना, ये पृथककारी कीप है, इस ये इस ऊपर वाला इसका मुंह है। पृथककारी कीप है, बीच में मोटी है और किनारों पर कैसी है, पतली है। ऊपर इसका मुंह है जिसमें से हम जल और तेल का मिश्रण डालेंगे, और जैसे ही, अब आप सोचोगे सर वो तो नीचे से निकल जाएगा, हालांकि इसका मुंह यहाँ पर भी खुला है, लेकिन यहाँ पर एक वाल लगा है। वाल आता है ना, वाल को हम बंद कर देते हैं तो पानी आना बंद हो जाता है, जैसे ही वाल को खोलते हैं पानी आना स्टार्ट। तो यहाँ पर भी ये वाल लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वाल। तो जैसे ही इस वाल को कसेंगे बंद हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में क्या करना है, इस वाल को कस देना है, इस नीचे वाले मुंह को क्या करना है, वाल को कस के बंद कर देना है। अब इसके अंदर हमें क्या डालना है, अब इसके अंदर हमें जल और तेल डालना है। पहले डालो पानी, कुछ भी डाल लो, पहले तेल डाल लो, जल डाल लो, तेल तो ऊपर आ जाएगा क्योंकि हल्का होता है। मान लो, लो सबसे पहले हमने तेल डाल दिया, ये तेल डाल दिया हमने, फिर इसके अंदर ये तेल डाला, फिर इसके अंदर क्या डाला, जल डाला, ये पानी आ गया। लेकिन होगा क्या, पहले हमने तेल डाला ना, तेल, फिर ऊपर से क्या डाला, पानी। तो पानी ऊपर नहीं रहेगा, पानी नीचे आ जाएगा क्योंकि पानी भारी होता है, तेल हल्का होता है, हल्का होने की वजह से तेल सतह के ऊपर आकर तैरता रहता है। तो आप चाहे तेल डालो पहले, चाहे पानी डालो, ऊपर तो किसको रहना है, ऊपर तो हमेशा तेल को ही रहना है। तो मान लो इसमें जैसे ही पानी डाला, पानी नीचे आ गया और ये ऊपर कौन आ गया, ये तेल आ गया। ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ ना, तेल के लिए बना रहा हूँ, और जो मैंने डैश डैश बनाए ना, वो किसके लिए बनाए, पानी के लिए। अलग अलग बना दिया दोनों को, ठीक है। तो ये तो क्या है, तेल, ये क्या है, जल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, टीशा बताओ बेटा एक बार, मनीषा, टीशा, yes, आ रहा है ना, yes, sir. Yes, sir. तो ये पृथककारी कीप, हमने तेल और जल डाल दिया। अब आप इनको कैसे अलग करोगे, अब आप यहां से अपना दिमाग काम, सॉरी दिमाग चला सकते हो कि सर ये तो अलग ही है, पानी तो नीचे है, तेल ऊपर है, ये तो पहले से अलग हो रहा है। अलग तो हो रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे अलग अलग बर्तनों में चाहिए। आप कैसे करोगे, फिर आप अगर इसको उड़ेलने की कोशिश करोगे ना, ऐसे ऐसे उड़ेलने की कोशिश करोगे, तो पहले पानी आएगा, पानी के ऊपर कौन आ जाएगा, तेल आ जाएगा, वो तो वापस मिक्स हो जाएंगे। अलग करना हमें, तो अलग करने के लिए क्या तरीका अपनाओगे, अलग करने के लिए देखो हमें क्या करना है, अलग करने के लिए हमें इसको ऐसे उड़ेलना नहीं है, इसको ऐसे उड़ेलना नहीं है, हमें इसको यहां से निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, ये वाल यहां पर बंद है ना, इस वाल को खोल दो। जैसे ही वाल को खोलोगे, नीचे कौन है, जल है, तो पानी बाहर आना स्टार्ट। तो जैसे जब पानी आ रहा आ रहा आ रहा, और जैसे ही पूरा पानी निकल गया, अब वाल को तुरंत क्या कर दो, बंद कर दो। आ रही बात समझे, जल और तेल का मिश्रण है, वाल खोल दो, वाल खोलोगे तो पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा, पानी बाहर आएगा क्योंकि पानी नीचे है, पानी बाहर ये तेल ऊपर है, इसलिए पानी नीचे आएगा पहले। तो जैसे ही पूरा पानी निकलता है, पानी निकलने के बाद जैसे ही तेल निकलने की कोशिश करेगा, तो आप तुरंत इस वाल को क्या कर दो, बंद कर दो। तो एक बर्तन लगा लो नीचे, यहाँ पे ऐसे लगा लिया बर्तन नीचे, वाल खोल दिया, वाल के अंदर क्या, वाल खोलते इसमें क्या आ गया, जल, क्या आ गया इसके अंदर, जल। और जैसे ही तेल बाहर आने की कोशिश करेगा, वाल बंद कर दो, तो तेल इसके अंदर रह जाएगा। आया ना समझ में, वाल खोलते ही पानी बाहर, और जैसे ही तेल बाहर आने की कोशिश करेगा पानी के पीछे पीछे, तुरंत वाल को क्या कर दो, बंद कर दो। अब पानी तो ले लिया हमने अलग बर्तन में, और ये तेल किसके अंदर रह गया, इस पृथककारी कीप के अंदर। तो इस प्रकार हमने दो अघुलनशील पदार्थों को क्या कर दिया, पृथक कर दिया, ठीक है। पानी को अलग बर्तन में कर दिया और तेल को अलग बर्तन में पृथक कर दिया। ऐसी विधियों को क्या बोला जाता है, विभेदी निष्कर्षण। एग्जाम में आ जाए कि विभेदी निष्कर्षण विधि को प्रयोग सहित समझाइए, तो सबसे पहले दोगे डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखोगे कि इस प्रकार की विधियों में दो अघुलनशील पदार्थों को पृथक किया जाता है, और ऐसी विधियों को बोला जाता है विभेदी निष्कर्षण। फिर आप डालोगे एग्जाम्पल, जल प्लस तेल का मिश्रण, जल प्लस तेल का मिश्रण, और फिर इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे समझा दोगे। कितनी विधियां कंप्लीट कर ली, चार। अब मैं पढ़ा रहा हूं नंबर पांच वाली, नंबर पांच पर कौन सी है, नंबर पांच पर देखो,
नंबर फाइव, और विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी। विधि का क्या नाम है? क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ये लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो मैंने पढ़ा है, चार विधियां पढ़ा है ना, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोमेटोग्राफी। ये लो, मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया? स्टार लगा दिया। और स्टार लगाने का मतलब है इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। कौन सी? क्रोमेटोग्राफी। इसलिए इस विधि को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब इस विधि के अंदर होता क्या है? ये तो विधि का नाम है। देखो विधि का, इस विधि में होता क्या है? इस विधि में होता है किसी भी विलायक में से, किसी भी विलायक में से रंगों को अलग करना, या किसी भी विलयन से, किसी भी विलयन से, किसी भी विलयन से रंगों को, या किसी, लिख दो, किसी विलयन से रंगों को अलग करने वाली विधि को, किसी विलयन से रंगों को अलग करने वाली विधि को क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। समझना ध्यान से, कोई भी विलयन है, विलयन अच्छी तरीके से जानते हो आप, कोई भी विलयन है उसके अंदर मान लो कोई कलर मिक्स हो रहा है, तो किसी विलयन में से आप कलर कैसे निकालोगे, किसी विलयन से कलर कैसे निकालोगे, ये वो वाली विधि है। जैसे मैं कई एग्जाम्पल लेता हूँ तुम्हारे सामने। एग्जाम्पल नंबर एक, एग्जाम्पल नंबर एक, डाई में से, डाई में से रंगों को अलग करना, डाई में से रंगों को अलग करना, प्राकृतिक रंगों से, प्राकृतिक रंगों से वर्णक को, वर्णक को अलग करना, रक्त से नशीले पदार्थों को, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना। ये लो, ये इस विधि के उपयोग। देखो यहां पर मैंने कितने विलयन ले रखे हैं। हर चीज को समझना, सबसे पहले डेफिनेशन समझोगे आप। डेफिनेशन क्या है? मैं पहले डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर एग्जांपल समझाऊंगा, उसके बाद में मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा कि देखो ऐसे कर, ऐसे रंग अलग होता है, कि देख लो रे ऐसे रंग अलग हो जाएगा। सबसे पहले देखो, किसी विलयन से रंगों को अलग करना, किसी विलयन से रंगों को अलग करने वाली विधि क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी। क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी। देखो यहां पर जो हमने विलयन ले रखा है, अब ये तो डेफिनेशन हो गई, ये एग्जाम्पल हो गए। डाई एक प्रकार का विलयन है कि नहीं है? डाई जो हम कलर लगाते हैं ना बालों के अंदर, जो डाई करते हैं, उस वाली डाई की बात है। डाई में से रंगों को अलग करना, तो डाई भी तो एक प्रकार का विलयन है ना। अब डाई में कौन कौन से रंग मौजूद है, उनको अलग किया जाता है इस विधि के द्वारा। दूसरी बात, प्राकृतिक रंगों से वर्णक को अलग करना। प्राकृतिक का मतलब है जो रंग हमें प्रकृति ने दिए हैं, और प्रकृति ने रंग किसको दिया? पेड़ पौधों को, या हमारी बॉडी के अंदर जो कलर है। जैसे पेड़ पौधों की बात करूं, जो पौधों में जो फ्लावर आते हैं, जो फूल आते हैं, फूल जैसे फूल अलग अलग रंग के होते हैं, पिंक होते हैं, ब्लू होते हैं, येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं, ठीक है, पर्पल कलर का होता है, तो उन फ्लावर के रंगों को अलग कैसे करोगे आप? किसी फूल में पाए जाने वाले नेचुरल कलर्स को, प्राकृतिक रंगों को आप अलग कैसे करोगे? देखो प्राकृतिक रंग तो किसमें आ गए? फूल के अंदर। और वर्णक का मतलब होता है रंग, वर्णक का मतलब होता है रंग। किसी भी फ्लावर में, जैसे गुलाबी, गुलाबी फूल है तो उसमें गुलाबी वर्णक पाया जाता है, लाल फूल है तो उसमें लाल वर्णक है, पीला है तो पीला वर्णक है, ऐसे। तो उन प्राकृतिक रंगों से वर्णक को अलग करना है। प्राकृतिक रंग हमारी बॉडी का भी हो सकता है। हमारी बॉडी का नेचुरल कलर क्या है? किसी का काला है, किसी का गेहूं है, किसी का बहुत ज्यादा पिंक है, सॉरी किसी का बहुत ज्यादा व्हाइट है। उस रंग को अलग कैसे करोगे आप? इस विधि के द्वारा। और एक है रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना। जैसे मान लो किसी की बॉडी में पाए जाने वाले रक्त में, किसी के रक्त में
अगर नशीले पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे मान लो कोई ड्रग्स लेता है, नशा करता है, तो किसी के खून में एल्कोहल है, ड्रग्स है, हेरोइन है, गांजा है, चरस है, जितनी भी नशीली चीजें है ना, अगर किसी के शरीर के अंदर मौजूद है, खून के अंदर, तो उन नशीले पदार्थों को रक्त से अलग किया जा सकता है कौन सी विधि के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा। अब आप इस विधि को कोई सा भी एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो, आप चाहे ये वाला एग्जाम्पल ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला, ठीक है, तो ये दो तो आपको समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि ये तो लेबोरेटरी के अंदर करवाया जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल मेथड है कि डाई में से रंगों को कैसे अलग किया जाता है, डाई में से रंगों को कैसे अलग किया जाता है, ठीक है। अभी मैं इसको चालू करूंगा नहीं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, अभी मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, टाइम तो उसमें ही पूरा हो जाएगा, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, कल, ठीक है, कल। सबसे पहले ये मैंने स्टार्ट कर ही दिया, मैं आते ही पहले क्रोमेटोग्राफी डालूंगा, डेफिनेशन डालूंगा, और फिर मैं ये बता दूंगा कि देखो डाई में से रंगों को कैसे अलग किया जाता है, और आपको इतना लिखते ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आज बता दिया पूरा, कल यहां से मैं टॉपिक को चालू कर दूंगा, ठीक है। नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज रहा हूं मैं, और अब ये जो दो दिन के नोट्स रह गए वो मैं आज भेज दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे सर, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे सर, थैंक यू।